तो ये खुशबू इतनी लगवा चुकी थी और ये पूरी मिटा चुकी है, क्योंकि उधर जो भैया लगा रहे थे वो पसंद नहीं आई है, अभी ये पसंद आई है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 21st ऑफ अक्टूबर, 24th को है करवा चौथ। खुशबू जा रही मेहंदी लगवाने और आके मैडम जी बैठ जाएंगी कि मैं तो कुछ करने नहीं वाली और बस सारा काम पेला जाएगा मेरे पे। इतने सालों बाद मैं अच्छे से मिल रही हूं, एप्रिसिएशन क्यों होगी? वैसे इसको एलर्जी है मेहंदी लगाने से। इसको मेहंदी खाने से एक बार इसका इतना ज्यादा वो हुआ था कि बस पूछो मत, इसको इतनी एलर्जी हो गई थी इसके होंठ। वो फोटो है, इसके होंठ इतने सूज गए थे ना, और तब से ये वैसे थोड़ा खुशी हो रही ना तुम्हें बोल के भी। तो देख ले मत लगा, आराम से बैठे। और कल मैंने चूड़ियां लेने भी जाना है। इसका तो ना ये नाटक खत्म ही नहीं होता, फ्रैंकली बताऊं। मैं तुम्हें कल बोला वो सेट कितना अच्छा लग रहा था, तुमने मुझे मना किया लेने को। मेरे ड्रेस के साथ मैचिंग था, तुम वहां से एकदम झटपट आके चले। ये जो होती है ना ये फालतू की बातें, ये फालतू की बातें बिल्कुल होती हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको बस इसको भी भटकना अच्छा लगता है। भटकते रहो बस, भटकते रहो। तुम्हारा कुर्ता पजामा सेट है परसों? नहीं परसों। चलो भाई, लिफ्ट नहीं आ रही। लिफ्ट इतनी लगवा चुकी थी और ये पूरी मिटा चुकी है, क्योंकि उधर जो भैया लगा रहे थे वो पसंद नहीं आई है, अभी ये पसंद आई है। तो यही अब वो दूसरे हाथ पे लगाएंगे, ठीक है ना। खुशबू को मेहंदी पसंद आना काफ़ी टास्क होता है, काफ़ी बड़ा टास्क होता है, क्योंकि इतना आसानी से खुशबू को मेहंदी पसंद नहीं आती किसी चीज़ का। कैसा लगा तेरे को अपने मेहंदी का डिजाइन? क्या कमेंट? आउट ऑफ 10 ना, 6 आउट। अभी तो मुझे कह रही है एकदम बकवास है, मतलब 6 वाली, अच्छा 10 वाली पता नहीं कब जन्म में लगा। अच्छी है मैं उतनी नहीं, मजा नहीं आया। तेरी अच्छी मेहंदी कब लगी थी? पता नहीं, जब मैं बचपन में एक दीदी हमारे वहाँ रहती थी और वो लगाती थी, बहुत अच्छी लगाती थी वो, बहुत सुंदर। फुल ऑफ पेशन वैसे कभी मेरे को लाइफ में नहीं लगने वाली, मेरी शादी में भी नहीं होती है। शादी में मैं 2100-2200 की लगा दूंगी, ये वैसे नाटक ही। और आज कितने भूखे हैं? 900। बट ये मुझे डिजाइन अच्छा लगा। कौन सा? जाली वाला? आई लव द जाली। अब अपनी बहुत बड़ा ऐसे अच्छे से लगा, जब भी होगी डिस्क्लेमर में अभी खुद से खाने में स्वाद नहीं आता अगर और खिलाए। साइड इफेक्शन भी मोबाइल डिटॉक्स फॉर 3 डेज। कैसे तुम? मतलब मैं भूखे रहा हूं। नहीं खा, चल्ली कैसे खाएगी? तुम दांतों से ही तो खाते हैं, वो भी हाथों से खाते हैं। नाटक ही है वो, ढीठ ने वो वाला डिजाइन छापा, छपाते कुछ और है ये चीज है। हाँ फोटो तो कुछ लगा के रखेंगे ना, इनसे बन पाता है? फोटो तो नेट से डाउनलोड करी कर ली, इनसे थोड़ी ना बन पाता है। ठीक है, कह रहा आज ही बनवा जाओ तसल्ली से, तसल्ली से मतलब 4 दिन पहले बनवा ली इस की तसल्ली से बनवाई की खुशबू तसल्ली में उसने अपनी ऐसी तैसी करवा दी। तसल्ली मेरा ठीक है क्या? ये क्या ठीक है? बकवास है। बकवास नहीं है प्लीज। ओके 6 आउट ऑफ 10 है एवरेज।
एवरेज है एवरेज। अब तुम करवा चौथ चूड़ियां लेने चलना। पिछले साल मैंने कुछ नहीं किया था करवा चौथ से, पिछले साल वाला तो तुम्हारे लिए अच्छा रह गया। मेरा बर्थडे था और हम हाँ, अगर आप लोगों ने वो ब्लॉग नहीं देखा तो देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। एनीथिंग यू वांट टू ऐड? अच्छा, मैं कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन के कंफर्टेबल सैनिटाइज कर ले हाथ। तुम्हारा रात का डिनर तैयार है और ये इसका मुंह तैयार है। अच्छे से निकल गए ना दाने? तूने कैसे निकाले, टैलेंट है। मैं मेहंदी नहीं लगाती। हेलो, तो ये हमारी कचरे की थैलियां बांध दिया इसने, और ये टेप से ऊपर के नीचे ना किसके। मैंने कहा था कोई दूसरी थैली मिल जाती, कोई कह रही नहीं कचरे की थैली बड़ी है वही लगा। हाँ तो बड़ी है, ये वाली अच्छी की है तुमने, ये वाली थोड़ी सी लूज है। पर ऊपर किसको ना, हाँ यहाँ से भी करो। खुश है, बैठ जा जा, तेरा सिंहासन सेट कर दिया। एक फोटो खींचो। हाय गाइस, वेलकम बैक। तो ये है मेरी मेहंदी का रंग, और दूसरे हाथ में पता नहीं क्यों नहीं चढ़ा, आगे तो चढ़ा पीछे नहीं चढ़ा, पता नहीं, आई डोंट नो। एक ही मेहंदी वाला लगाते हैं और फिर क्या ये है। बट एनी वेज, अभी सुबह की वॉक हो गई एंड वी आर बैक होम। मेरी ऑलमोस्ट सारी तैयारी हो चुकी है, सो लेट मी शो यू द आउटफिट, एटलीस्ट द कलर। वेयर इज माई आउटफिट? आई रियली डोंट नो, माई हाउस इज सो मच मेस्ड कि मैं बता नहीं सकी। और आजकल डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है यार, बहुत ध्यान रखो, क्योंकि मेरी शिखा को हो गया, मेरी लाइफ लाइन को डेंगू हो गया। अब पता नहीं, बट वी हैव अनदर हाउस हेल्प, सो लाइक वी हैव अरेंज्ड फॉर इट, सो दैट्स नॉट एन इश्यू। अरे मेरा वो कहाँ है? सो दिस इज अ कलर विच आई एम गोइंग टू वेयर, दिस इज अ येलो पॉटी कलर ना, तो दिस इज अ पॉटी कलर स्कर्ट, और इसके ऊपर का भी वो सिलने दिया है, वो टेलर आज दे देगा। मैंने ये इसके साथ मैंने ग्रीन मिक्सअप करना है, तो मैंने ये चूड़ियाँ लाई एंड और क्या क्या लाया मैंने, रुको मैं दिखा देती हूँ। सो देखो इतना मेस पड़ा हुआ है यहाँ, ये है, ये बन मैं लाई हूँ, आई डोंट नो वेदर आई विल वेयर इट और नॉट, बट आई गॉट दिस बन फॉर माई सेल्फ। दीज आर टिक टैक पिन्स, दीज आर बिंदीज, ये बिंदी बहुत अच्छी लगी मुझे। मैंने दो लिए हैं, 20 रुपीज़ की मिली तो बहुत सस्ता है मेरे। और मैंने एक ये चूड़ी, मैंने दो लिए हैं, टू मिक्स मैच, ओके। अरे खुल जा भाई, ये कलर, क्योंकि ये कलर का मेरा सूट है तो ऑलमोस्ट मैचिंग है, क्योंकि और कोई शेड मिल नहीं रहा था तो फाइन ये। एंड आई गॉट दिस चोकर फॉर माई सेल्फ, आई हैव द इयर रिंग्स, आई हैव मैचिंग इयर रिंग्स, तो ये चोकर है। ये सब कुछ मैंने जीके से लाया है एंड दैट सूट इज फ्रॉम लाजपत। तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है? लुक एट द मेस, इसीलिए सामान है सारा। ये मेरा है, प्रेस वाला लेके जाएगा। ये मेरी बुक्स है, मुझे असाइनमेंट कंप्लीट करना, मंडे को मेरा असाइनमेंट है, जिसके लिए स्पेशली कल उसे बोला है, लाती हूँ। और करवा चौथ, वो देखो वहां मेरी साड़ी है। मेरा घर बहुत मेस में है। फिर से एक रूम टूर कर दे घर ये हमारे घर कोई आ जाए। गिव योर फीडबैक फॉर करवा चौथ, हाउ आर यू फीलिंग? कल तुमने भी भूखा रहना है, कुछ तो बता दो ना। रोना इस बार ना रखो, तुम ना हर बार मेरे साथ ऐसे करते हो ताकि तुम मुझे लास्ट मिनट तक सता सको। अब ये पेटेंट हो गया, अब हमारी शादी को ना बहुत टाइम हो गया, तो मुझे पता है तुम रखने वाले हो। ये पहले की बातें थी, एक दो साल में, जब तुम ये करते मैं सड़ जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आएगा कि मैं क्यों रख रही हूँ। अरे तो क्या हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात? हाँ तो मेरा ठेका है तुम्हारे आयु बढ़ाने के लिए, मेरे जीवन का ना कुछ बढ़े। मैं मर्द हूँ आयु बढ़ाने के लिए रखते तुम हो, लेकिन एंड में मरते जल्दी आदमी है। ऐसे क्यों बोल रहे हो यार, करवा चौथ वाले दिन ऐसे मत बातें करो, पागल हो तुम। करवा चौथ आज थोड़ी ना, पर तो भी इतनी चूड़ी छूड़ी लेके कोई ऐसे नेगेटिव बातें करते तो बेशर्म हो, मम्मा मारेगी। मम्मा तुम्हें मारेगी पता है, ये वीडियो देख के। और एनी अदर फीलिंग? कल तुम सर की क्या खाने वाले हो? तो मुझे अभी
जाके सरगी का सामान कुछ लेना है। आई एम गोइंग टू मीट माई मदर इन लॉ इवन टूडे एंड टुमोरो, दैट्स वेरी फनी। मैं मेहंदी लगाने भी जाऊँ ना, मेरे को उस दिन डर लग रहा था जब मैं मेहंदी लगाने गई, मैंने कहा यार शिट मैं इतना ज्यादा आगे आई हैव टू डू जीरू घूम रहे ना आजकल बड़े सारे। तो भी उसके साथ ही दूसरे मेरे को ये देखो ये ना उसने सारी मेहंदी मेरे नाखूनों पर भी लगाई है, गॉड नोज ये कब जाएगी, बट आई विल अप्लाई नेल पेंट। आई हैव टू डू नेल आर्ट, मैं अपने बर्थडे पे करूंगी नेल आर्ट। सो माय बर्थडे इज कमिंग सून एंड यस दिस इज अ वेरी स्मॉल व्लॉग आई वुड से। इसमें मेहंदी वेहंदी दिखाई और ये करवा चौथ की जो भी तैयारी दिखाई। तो मैं सरगी का सामान, मेरे को नारियल खरीदना है आज, तो सरगी के लिए क्या क्या सामान, नारियल मट्ठी, मेरी थाल है मेरे पास, मैं वो भी दिखा देती हूँ जो मैंने पिछले साल ही पहले ही खरीदी हुई है, बट वो है मेरे पास एंड मैं घर से ले आई थी। तो इसके अंदर वो सब है, तो इसके अंदर वो सब है, ये है थाल, फिर ये है वो चांद देखने के लिए छन्नी, ये मेरी शादी का दुपट्टा है, दिस वॉज गिवन फ्रॉम माय मामा साइड, ये दुपट्टा मुझे दिया गया था चूड़े के समय, हाँ, और ये मुझे मम्मा ने दिया था एंगेजमेंट पे। तो ये है ये कलश, हाँ ये दुपट्टा मुझे मेरी मदर इन लॉ के साइड से पड़ा था, मतलब उन्होंने मुझे चढ़ाया था। तो ये मेरे पास दोनों दुपट्टे हैं, सो आई कैन वेयर एनी ऑफ देम, सो दिस इज ऑल दैट जो पूजा के लिए ज़रूरत होगी। सो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो चुकी हैं एंड सर बारिश से चालू है ना इसलिए कपड़े मैंने फेशियल करे था। ओके सो आई हैव डन ऑफ माय ओन, मैंने कहीं बाहर नहीं गई, मेरे पास टाइम भी नहीं था, तो मैंने बायोटिक का गोल्ड फेशियल एंड इट टर्न्ड आउट टू बी वेरी गुड, आई डिड ब्लीच एंड फेशियल, आई हैव टू जस्ट गो फॉर दिस मुच्छी एंड दाढ़ी एंड आईब्रोज, जो अभी करवाया था तो इतना है नहीं, बट आई विल जस्ट क्लीन अप वंस। वैक्सिंग मैंने ज़्यादा वैक्सिंग नहीं की क्योंकि मैंने हाथों की सिर्फ की और पैरों का एक ही जगह स्ट्रिप मारा है क्योंकि मैं घर पे ही वैक्सिंग कर लेती हूँ। तो नेक्स्ट मेरा बर्थडे आने वाला तो मुझे है कि उस समय मैं वैक्सिंग कर लूँगी, अब मुझे नहीं करनी थी, बट मैंने हाथ की वैक्सिंग खुद ही कर ली थी घर पे ही। सो देखो मैंने तुम्हारे पैसे बचाए, एक तो वैक्सिंग खुद करके फेशियल खुद करके, खुद तो तुम ये गया है पैम्पर करने अपने आप को, हाँ खुद तो तुम अपना मैनीक्योर पेडिक्योर करवाया है, मैनीक्योर नहीं कराया सिर्फ पेडिक्योर और हेड मसाज, हाँ ज्यादा कुछ नहीं कराया। और ये दाढ़ी निकालियो कल के लिए, सर शरीफ बनी पूरी निकाल दो, ना 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 तुम भी बता दो तुम्हारा श्रृंगार, तुम्हारा कुर्ता पजामा कहाँ है, प्रेस किया हुआ है? तो आदित्य के पास गणपति के मैं, अच्छा तो मुझे किसने देखना है, तुमने, अच्छा तेरे को तो ये रहेगा पर जो वहां पे जो नीचे सर्कल बनेगा ना उसमें मैं सबसे अच्छी दिखनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है मैं वैसे ही अच्छी हूँ। चल ठीक है यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हाँ। चलो गाइस अब ये व्लॉग एंड करते हैं और न्यू व्लॉग चालू करते हैं। तो सारी तैयारियां हो चुकी है, सो नाउ वील मीट यू ऑन करवा चौथ एंड हैप्पी करवा चौथ इन एडवांस टू एवरी वन। एक छोटी सी चीज कि इस करवा चौथ में बहुत सारी ऐसे भी कपल्स हैं जो अनफॉर्चुनेटली साथ में नहीं है बिकॉज ऑफ द सेकेंड वेव, या जो वेरी यंग ऑल्सो यू नो कपल्स हैव लॉस्ट ईच अदर ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम्स, सो यू नो मे देयर सोल रेस्ट इन पीस। एंड फेस्टिव सीजन आ रहा है बट येस वी नीड टू बी लिटिल कॉशियस, ये चीज मैं भी बोल रही हूँ बिकॉज इवन आई हैव रियलाइज दशहरे के समय एवरी वन वर गोइंग लिटिल क्रेजी, इवन आई वेंट लिटिल क्रेजी, लाइक कभी कभी मास्क पहना था, कभी कहाँ नहीं भी पहना था 5-10 मिनट के लिए फोटो खिंचाने के लिए, बट कोरोना उतने टाइम तक नहीं रुकता है। सो थोड़ा सा यू नो इवन आई हैव रियलाइज विद टाइम के थोड़ा सा हमें सबको ही कॉशियस होना पड़ेगा सेकेंड
वैसे तो सबको वैक्सीनेशन लग गई है, दैट्स रियली वेरी गुड दैट यू नो इंडिया हैज़ कम सेकेंड क्रॉसिंग 100 crore, सो दैट्स रियली द बेस्ट न्यूज़। बट स्टिल थोड़ा बहुत भी हम लीनियंट कभी कभार हो जाते हैं। मैं ये नहीं बोलती मैं परफेक्ट हूँ, मैं भी हो जाती हूँ, तो इसलिए मैं अपना नाम भी सबसे पहले लूँगी। हम भी हो जाते हैं लीनियंट कभी कभार कहीं ना कहीं, और हर कोई हो रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्फ्लुएंसर, हर कोई कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हो जाता है। थोड़ा सा वो भी हम प्रिकॉशन लें तो ज़्यादा अच्छा है, लाइक इवन इफ़ यू डू इट नाउ, बिकॉज अभी भी फेस्टिव सीजन आने वाला है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड के जो पहले पागलपंती हुई, विद गॉड ग्रेस वी ऑल आर फाइन, सब लोग ठीक हैं, बट तो भी एक प्रिकॉशन ले भी सकते हैं आगे के लिए, सो हम सब लें। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बटन लाइक एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।